अभी मुझे लगता है हम पीछे आप देख सकते हैं ज़्यादा 500 मीटर आए होंगे, बट काफ़ी धूप है तो आप हाल धीरे धीरे ख़राब हो रही है। बट हमने एक बात ये ठानी है कि आज हम आपको चिड़ियाघर पूरा दिखा के मानेंगे, तो चलिए हम आपको चिड़ियाघर दिखाते हैं और आगे आप देखते रहें, आगे बने रहें। तो यहाँ पे उसी तरह कुछ दिख रहा है, बट यहाँ भी लगता है कुछ होगा नहीं, यहाँ भी हम लोग के साथ पोपट ही हो गया। ये अभी खाली है, जैसे कोई जानवर नहीं आए हुए, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या है। यहाँ तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, बस पेड़ पौधे घास झाड़ उड़ हैं बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, बट अभी कैंटीन मिला नहीं कहीं। तो देखिए यहाँ भी थोड़ी धीरे धीरे धूप कम हो रही है, शाम का समय है, आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। पर पर्सन 50 रुपीज़ लगता है टिकट, छोटे बच्चों का फ्री है। एबव आई गेस एबव 6 ईयर के बाद आपको 25 रुपीज़ लगता है, और 12 ईयर के अबव आपको 50 रुपीज़ लगते हैं पर पर्सन। तो अभी यहाँ देखिए ये बंदर का कक्ष है, यहाँ बंदर रहते हैं, बट यहाँ दिख नहीं रहे हैं, वहाँ पीछे छुपा हुआ है, मुझे दिख रहा है उसे लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा। वहाँ देखिए फव्वारा चल रहा है जहाँ पे बंदर ना आते हैं। तो फिलहाल ये हो गया आपका मंकी का, और आगे चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ है। अगर आप थक गए हो, अगर रेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ रेस्ट भी कर सकते हो। देखिए ये बंदर आपको दिखा देते हैं, यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ बंदर बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब उसमें। तो यहाँ लिखा भी हुआ वार्निंग, डोंट क्लाइंब सिट और स्टैंड ऑन द फेंस। कृपया कर आप इन सबको फॉलो करें, और एनी अटेम्प्ट टू वायलेट। तो यहाँ पे आपको अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो 6 मंथ का जेल हो सकता है और 2000 रुपये फाइन हो सकते हैं आपके। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। ये लोग अभी काफ़ी धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहे हैं लोग, तो हम आगे चलते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये लोग थक जा रहे हैं, बट हम नहीं थकेंगे, हमने आपको दिखाने के लिए ये प्रण लिया। यहाँ देखिए शेर और जेब्रा के लिए के बाड़े के निकट ना जाएं। थाल भालू, यहाँ भालू रहता है, देखिए वो दिखा भालू, देखिए देखिए ब्लैक कलर का है, वो घुस गया अंदर। यहाँ गर्मी है तो यहाँ जानवर बाहर नहीं निकल रहे हैं बेसिकली, अभी ये अपने बाड़े में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ बाड़ा बंद है काफ़ी गर्मी की वजह से, वो निकल नहीं रहे। देखिए वहाँ पे वो छुपा हुआ है अंदर छांव में, और यहाँ काफ़ी हाइट भी है कि वो इधर ना आ पाए। देखिए अभी ये निकला बाहर थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ भालू भालू करके बुलाया जा रहा है, बट वो कुछ सुन नहीं रहा है, इन लोगों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। गुफा उफा भी उसकी बनी हुई है, और यहाँ पीछे से उनके खाने के लिए और सब चीज़ें जाती हैं, पीछे से रास्ता है जाने का। तो अभी यहाँ देखिए यहाँ पे टैंकर बना हुआ है पानी के लिए, तो यहाँ पे अगर आप वॉशरूम वॉशरूम जाना चाहते हैं या पानी पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका सब कुछ है, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर है, जलपान गृह है, शौचालय है, तो आप यहाँ पर ये सुविधा ले सकते हैं। बट यहाँ पे अभी देखिए जैसा कि बता रहे हैं लोग, पानी नहीं है, जैसे हमको भी प्यास लगी हुई है, हमारे मुंह सूख गया, बट कोई पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी तक। कैंटीन हम ढूंढ रहे हैं, बट चलिए आगे देखिए कहाँ तक कैंटीन है। कब से कैंटीन का बोर्ड दिख रहा है, बट मन में तसल्ली होती हो रही है कि अभी आगे कुछ देर बाद आएगा, बट कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए कौन सा चीज़ है, कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर हिरन है, काफ़ी दूर है तो दिख नहीं रहा है, कैमरे में आपको दिखेगा नहीं क्लियरली। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं हिरन को। देखिए काफ़ी दूर है हिरन, दिख रहा होगा आपको हिरन कुछ दूर है। तो फिर वो अपने छांव में मस्त बैठे हुए हैं सब, और यहाँ पे रस्ट एरिया बना हुआ है, 2 3 4 5। यहाँ एक हिरन देखिए है, बारहसिंघा है, देखिए ये काफ़ी मस्ती में घूम रहा है अकेले, ये शेरों की तरह अकेले घूम रहा है, झुंड में नहीं चल रहा है।
ये अभी अपना सिर खुजला रहा है, कुछ इसको दिक्कत है, ये अपने सिर खुजलाने में मस्त है। यहाँ की बस एक चीज़ मुझे यहाँ के अच्छा ये लगा कि यहाँ की साफ़ सफाई अच्छी है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ कहीं कूड़ा करकट कुछ नहीं दिख रहा। हाँ बट ये अभी कोई काम चल रहा है नाली वाली का, तो ये सब स्लैब आपको ऊपर दिखेंगे। हाँ काफ़ी दूर पे जाने के बाद वहाँ कुछ दूर बाद वो जो आपको गुंबद दिख रहा है वहाँ कैंटीन है, तो हम अभी चलते हैं कैंटीन के पास, देखते हैं क्या है। और आप अभी यहाँ से कैंटीन के बाद आप यू टर्न वैसे लेते हुए आप फिर से आपको इधर आना है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें कि आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये खेल रहा है हिरन जो है वो खेल रहा है सिंह के साथ, वो चीज़ें उठा रहा है, लकड़ियाँ उठा रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हो। इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो गई है पता नहीं क्या, तो ये आपस में लड़ने लगे हैं अभी, तो रेम की बात पूछनी पड़ेगी अंदर जाके क्यों ये लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से लड़ाई चल रही है, तो अभी ये पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं आपस में। कैंटीन का भी देख सकते हैं, मेन गेट यहाँ पे है, आप यहाँ से इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो कैंटीन को। यहाँ से अंदर जाना होगा, वहाँ कैंटीन दिख रहा है, तो अभी हम उस साइड से आते हुए चलेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ देखिए आप यहाँ से कैंटीन में जाएंगे, यहाँ से जो भी आपको खाना पीना हो वो मिल जाएगा। बट हाँ ये चीज़ चार्जेस लगेंगे, ये नहीं कि जब आप 50 rupees की टिकट लिए हो तो सब कुछ फ्री होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बच्चे वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं हिरन क्या है वो बैठने के लिए। ये कौन सी चीज़ है यहाँ? आई गेस जबरा रहता है बट अभी अवेलेबल नहीं है। पूरी सुनसान जगह दिख रही है, यहाँ कुछ है नहीं। ओह गॉड बहुत गर्मी है, अभी देखिए धूप कितना कड़वा लग रहा है। यहाँ काला हिरन, हिरन का हुआ तो अभी काफ़ी दूर है, पीछे भी है काफ़ी, ब्राउन और वाइट कॉम्बिनेशन में है।